सिकंदर उर्फ अलेक्जेंडर का नाम आते ही एक महान योद्धा और नेक राजा की छवि सामने आ जाती है, लेकिन ये हकीकत नहीं है। सिकंदर एक क्रूर, महत्वाकांक्षी और दुस्साहसी इंसान था, जिसकी वजह से उसने अपने आसपास के राज्यों पर चढ़ाई कर उसे जीत लिया। सिकंदर को अपनी जीतों से घमंड होने लगा था। वो अपने को ईश्वर का अवतार मानने लगा और अपने को पूजा का अधिकारी समझने लगा। अपने इसी दम के कारण उसने भारत पर आक्रमण कर दिया, लेकिन ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित हुई और यही उसकी मौत का कारण बना। सिकंदर अपने पिता की मृत्यु के पश्चात अपने सौतेले व चचेरे भाइयों को कत्ल करने के बाद मैसेडोनिया के सिंहासन पर बैठा था। उसके गुरु अरस्तु ने उसे बताया था कि उसका जन्म पूरी दुनिया पर राज करने के लिए हुआ है। इसी महत्वाकांक्षा के कारण सिकंदर विश्व विजय को निकला। अपने आसपास के विद्रोहियों का दमन करके उसने ईरान पर आक्रमण किया। ईरान को जीतने के बाद गोर्दियास को जीता। गोर्दियास को जीतने के बाद उसने बेबीलोन को जीतकर पूरे राज्य में आग लगवा दी। बाद में अफगानिस्तान के क्षेत्र को रौंदता हुआ सिंधु नदी तक चढ़ाया। सिंधु को पार करने के बाद भारत के तीन छोटे छोटे राज्य थे, तक्षशिला जहां का राजा अम्भी था, पोरस और अम्भिसार का राज्य कश्मीर के चारों तरफ फैला हुआ था। अम्भी का पुरु से पुराना बैर था, इसलिए उसने सिकंदर से हाथ मिला लिया। अम्भिसार ने भी तटस्थ रहकर सिकंदर की राह छोड़ दी। राजा पुरु ने सिकंदर से दो हाथ करने का निर्णय कर लिया। सिकंदर झेलम के दूसरी ओर पड़ाव डाले हुए था। सिकंदर की सेना का एक भाग झेलम नदी के एक द्वीप में पहुंच गया। पुरु के सैनिक भी उसी द्वीप में तैर कर पहुंच गए। उन्होंने यूनानी सैनिकों के अग्रिम दल पर हमला बोल दिया। अनेक यूनानी सैनिकों को मार डाला गया। बचे कुचे सैनिक नदी में कूद गए और उसी में डूब कर मर गए। बाकी बची अपनी सेना के साथ सिकंदर रात में नावों के द्वारा हरनपुर से 60 किलोमीटर ऊपर की ओर पहुंच गया और वहीं से नदी को पार किया। वहीं पर भयंकर युद्ध हुआ। उस युद्ध में पुरु का बड़ा पुत्र वीरगति को प्राप्त हुआ। पुरु के पुत्र ने अकेले ही सिकंदर के घेरे में घुसकर सिकंदर को घायल कर दिया और उसके घोड़े बुसेफेलास को मार डाला, लेकिन अंधेरे में उसके हाथी दलदल में फंस गए। उनकी भीषण चीतकार से सिकंदर के घोड़े न केवल डर रहे थे बल्कि बिगड़कर भाग भी रहे थे। सिकंदर अब ऐसे स्थान की खोज में लग गया जहां उनको शरण मिल सके। सिकंदर ने छोटे शस्त्रों से सुसज्जित सेना को हाथियों से निपटने की आज्ञा दी। इस आक्रमण से चिढ़कर हाथियों ने सिकंदर की सेना को अपने पांवों तले कुचलना शुरू कर दिया। हाथियों में अपार बल था और वो अत्यंत लाभकारी सिद्ध हुआ। अपने पैरों तले उन्होंने बहुत सारे यूनानी सैनिकों को चूर चूर कर दिया। कहा जाता है कि पुरु ने अनावश्यक रक्तपात रोकने के लिए सिकंदर के सामने अकेले ही निपटने का प्रस्ताव रखा, परंतु सिकंदर ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। बाद में सिकंदर ने अनुभव किया कि यदि लड़ाई को आगे जारी रखा गया तो ये उसका आखिरी युद्ध साबित हो सकता है। अतः उसने युद्ध बंद करने के लिए पुरु से प्रार्थना की। राजा पुरु मान गए। भारतीय परंपरा के अनुसार पुरु ने शत्रु का वध नहीं किया। संधि ये की गई कि राजा पुरु सिकंदर को जीवन दान देंगे। बदले में सिकंदर से वचन लिया गया कि वो फिर कभी भारत पर हमला नहीं करेगा। तब सिकंदर ने पुरु से वापस जाने की आज्ञा मांगी। पुरु ने सिकंदर को अपने प्रदेश से दक्षिण की तरफ से जाने का मार्ग दिया। जिन मार्गों से सिकंदर वापस जा रहा था उसके सैनिकों ने भूख के कारण राहगीरों को लूटना शुरू कर दिया, परंतु इसी वापसी में मलावी नामक छोटे से भारतीय गणराज्य ने सिकंदर की लूटपाट का विरोध किया। इस लड़ाई में सिकंदर बुरी तरह घायल हो गया। भारत में सबसे अधिक खूंखार लड़ाकू माने जाने वाले मलावी लोगों के द्वारा सिकंदर के टुकड़े टुकड़े होने ही वाले थे। उनकी तलवारें व भाले सिकंदर के कवचों को भेद गए थे और सिकंदर बुरी तरह से घायल हो चुका था। शत्रु का एक तीर उसका बख्तर पार कर उसकी पसलियों में घुस गया। सिकंदर घुटनों के बल गिर गया। शत्रु उसका शीश उतारने ही वाले थे कि प्यूसिस दास और लिम्नियास आगे आ गए, किंतु उनमें से एक तो मारा गया लेकिन दूसरा बुरी तरह घायल हो गया। इस लड़ाई में सिकंदर की गर्दन पर एक लोहे की लाठी का प्रहार हुआ और सिकंदर अचेत हो गया। उसके सैनिक उसी अवस्था में सिकंदर को निकाल ले गए। भारत में सिकंदर का संघर्ष सिकंदर की मौत का कारण बन गया। अपने देश वापस जाते समय वो बेबीलोन में रुका। भारत विजय करने का उसका घमंड चूर चूर हो गया। इसी कारण वो अत्याधिक मद्यपान करने लगा। तीर का घाव फैलता गया और ज्वर से पीड़ित हो गया वो, और कुछ दिन बाद उसी ज्वर ने उसकी जान ले ली। सिकंदर के मौत के विषय में ये भी कहा जाता है कि राजा पुरु से युद्ध के समय एक हार के बाद यूनानी सैनिक ने अम्भी से लड़ने से मना कर दिया। अम्भी ने भारत में सिकंदर की जीत का मार्ग प्रशस्त किया था।
अपनी सेना के विरोध के बाद सिकंदर ने भी हथियार डाल दिए थे, लेकिन अपनी राजधानी पहुंचने के बाद उसने नंद से लड़ने की तैयारी शुरू कर दी। पर संघ और सेना को ये पसंद नहीं आया। वे भारत जैसे भीमकाय शक्तिशाली राष्ट्र पर आक्रमण कर सब कुछ गंवाना नहीं चाहते थे। यदि युद्ध होता तो जो धन सिकंदर फारस से जीत कर लाया था उसे यूनान भेजने के बजाय युद्ध में लगा दिया जाता, और ये संघ को और सैनिकों को मंजूर नहीं था। इसलिए 323 ईसा पूर्व में सिकंदर और उसके इकलौते बेटे सिकंदर चतुर्थ की हत्या कर दी गई।